जहां एक ओर पूरी दुनिया में चीन का कोविड चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया को एक और चेतावनी मिल गई है और वो चेतावनी है दुनिया में होने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस की। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भविष्यवाणी की है कि अगला फाइनेंशियल क्राइसिस प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के कारण होगा। एक समिट के दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दावा किया कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है और ये मैक्रो इकोनॉमी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत रिस्की होती है। हम इसे बार बार पॉइंट कर रहे हैं। FTX के नए एपिसोड को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि हमें अब और कहने की जरूरत है। उन्होंने चेताया कि किसी भी दूसरे एसेट्स या किसी दूसरे प्रोडक्ट के विपरीत क्रिप्टो करेंसी के बारे में यही चिंता की बात है कि इसमें किसी तरह की कोई अंडरलाइन नहीं होती। ये 100% सट्टेबाजी है। क्रिप्टो करेंसी को बैन करना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर इसे बढ़ने दिया गया तो मेरे शब्दों को याद रखें, अगला फाइनेंशियल क्राइसिस प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की वजह से ही आएगा। आरबीआई गवर्नर की ये चेतावनी वाकई चिंताजनक है, जिसके लिए पहले से सतर्क रहने की जरूरत होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों पर लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें और देखते रहें उजांग टाइम्स।